राष्ट्रीय युवा लोकदल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष उमेश चौधरी ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ गुरुवार को कलेक्ट्रेट में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान रालोद नेताओं ने कहा कि वे आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आज राष्ट्रीय युवा लोकदल के जिलाध्यक्ष जिनको नव मनोनीत किया गया है उमेश चौधरी, पूरी पार्टी के युवा कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारियों के साथ आज कलेक्ट्रेट स्थित चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचे। उन्होंने वहां माल्यार्पण किया और यहां से आप उमेश चौधरी अपनी अगली पारी शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं पूरा उत्साह है लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों में। यहाँ हमारे साथ डॉक्टर अशोक अग्रवाल मौजूद हैं, ब्रज प्रांत अध्यक्ष रालोद के जगपाल सिंह मौजूद हैं और पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं, वर्तमान जिलाध्यक्ष के बाबूलाल जी हैं और नरवार जी हैं, तो सब यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और पूरे जोश के साथ, क्योंकि 2022 के चुनाव आने वाले हैं तो जिस तरह से हर पार्टी अपनी पूरी तैयारी में जुट गई है तो राष्ट्रीय लोकदल भी किसी से पीछे नहीं है, पूरा जोश है। नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, नए ब्रज प्रांत अध्यक्ष आए, अब युवा लोकदल के भी नए जिलाध्यक्ष उमेश चौधरी को कमान सौंपी है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल का मथुरा जनपद में क्या स्वरूप होगा? देखिए, सबसे पहले मैं अपने युवा जिलाध्यक्ष, जो नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष उमेश चौधरी को समस्त पार्टी की ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना संदेश देता हूँ। जहाँ तक क्या योजना है, क्या स्कीम है, देखिए कोई भी योजना पार्टी एक निमित्त मात्र है और जनता बनाती है। आज की स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि इस देश की जनता, प्रदेश की जनता और जिले की जनता में बीजेपी को लेकर बहुत बड़ा आक्रोश है। ये किसान विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं, ये गरीब विरोधी हैं, ये अनुसूचित जाति विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। ये अडानी और अंबानी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, ख़त्म होते व्यापार से परेशान है, कानून व्यवस्था से परेशान है। तो ये जनता का जोश, जनता का जोश, क्योंकि अब चुनाव को भी 5 महीने रह गए हैं, ये जनता का जोश 2022 में इस सरकार की विदाई का काम करेगा। और जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का जो संयुक्त जो अभियान है, संयुक्त जो जिस तरीके से मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से 2022 में सरकार बनाने का काम करेगा कि यदि देश बचाना है, यदि प्रदेश बचाना है, तो आपको बीजेपी की विदाई का कार्यक्रम को करके उन लोगों को जो प्रगतिशील विचारधारा के हैं, जो विकास की नीति में विश्वास करते हैं, जो भाईचारे में विश्वास करते हैं, उनको आपको सत्ता में लाना पड़ेगा। जगपाल जी, आपको भी अब आपकी पार्टी नेतृत्व ने बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है, तो किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है आगामी चुनावों को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी जिम्मेदारी देने से पहले ये देखती है कि कौन आदमी काम कर सकता है, उन्हें शायद विश्वास था, इसलिए मैं माननीय जैन चौधरी जी को पहले धन्यवाद देता हूँ अपने जनपद की तरफ से कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। आज की स्थिति में बड़ी हौचपौच की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में और प्रदेश में, जनता त्राही त्राही कर रही है और उसका कारण है सरकार की खराब नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ जनता के हित की होनी चाहिए और जनता के हित की ना हो करके चंद लोगों के हित की बनी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ मित्र हैं देश के अंदर जो उनका काम कर रहे हैं। परिवार के मुखिया का काम ये नहीं होता कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए काम करें, वो देश के लिए और आम जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए जनता परेशान है और आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी और बीजेपी को उखाड़ने का काम करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। बाबूलाल जी, जिलाध्यक्ष की अहम भूमिका होती है पार्टी को चुनाव में जिताने से लेकर उसको अपने संख्या बल बढ़ाने में, पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, सक्रियता बढ़ाने में आपको अहम जिम्मेदारी है। चुनाव नज़दीक हैं तो पूरे ज़िले में किस तरह की रणनीति से आप काम करेंगे और आने वाले चुनावों में, वर्तमान में मथुरा जनपद में एक भी राष्ट्रीय लोकदल का विधायक नहीं है, तो क्या मानकर चल रहे हैं आगामी चुनावों के लिए? आज सर्वप्रथम चौधरी साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि एक मजबूत कड़ी के रूप में हमारे युवा के जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं उमेश चौधरी जी। युवाओं को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने एक अहम पहल की है, उसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे। उसके साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो चौधरी साहब का मिशन है, स्वर्गीय चौधरी साहब का जो उनकी सोच थी, उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम उन्हें राष्ट्रीय लोकदल को संगठित करने के लिए
किसानों को एकत्रित करने के लिए ये पार्टी ही गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलितों की पार्टी है। इस प्रकार हमारे जनपद का ही नहीं है, पूरे प्रदेश और देश का किसान त्रस्त है और परेशान हो चुका है। उसके साथ साथ में अन्य वर्ग भी, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे मजदूर हों, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, सभी इनसे परेशान हो चुका है। इनके झूठे वायदे और बयानों की को सब जो जान चुका है, इनके जो क्रियाकलाप हैं उन्हें पूरी तरह पहचान चुका है। अब पुनः राष्ट्रीय लोकदल एकजुट होकर अपने इनका सामना करना चाहता है और हमने जाके देखा है। मेरा तो अभी एक महीना ही हुआ है कार्यकाल को, लेकिन मैंने अपने जब गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि किसान, मजदूर, सभी वर्ग इनसे इस तरीके से परेशान है। वो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ना चाहता है और हमारा अभियान है कि आगामी 2022 में ये सभी वोट देके इनको जवाब देंगे और हम भारी बहुमत से पांचों सीट विजयी करेंगे मथुरा जिले। उमेश जी, आपको नई जिम्मेदारी दी है आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद युवा हैं, युवा टीम पर ही ये दारोमदार रहता है, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी मथुरा जनपद में पार्टी हित को लेकर? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को सर्वप्रथम नमन करता हूँ। मुझे मथुरा जनपद का युवा का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जैन जी ने, आदरणीय जैन जी ने घोषित किया है। सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय जैन जी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे ये जिम्मेदारी युवाओं को दी है, बहुत अहम जिम्मेदारी है। युवाओं का संगठन मथुरा जनपद में दुरुस्त करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। बहुत जल्दी आप देखेंगे मेरा गांव मेरा संगठन इस अभियान की मैं शुरुआत करूंगा। आदरणीय जैन जी के हाथों में मजबूत करने के लिए जनपद के हर युवाओं को लोकदल से जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा। आप जैसा देख रहे हैं, न सरकार शिक्षा की बात कर रही है, न रोजगार की बात कर रही है, सरकार मुद्दों से भटकाने की बात कर रही है। हम लोगों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार मेन मुद्दों से भटकाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन युवा ये चीज़ समझ चुका है और आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार जो बनेगी माननीय जैन जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। सुना राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ आज नए युवा जिलाध्यक्ष ने माल्यार्पण किया है और यहाँ से आज अपने जो नेतृत्व को आगे बढ़ पार्टी को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने कहा कि अब गांव गांव में जाकर अपना नेतृत्व करेंगे। हमारे साथ पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी हैं, नरवर जी हैं, बताएं आज उमेश को जो जिम्मेदारी मिली है इसको कैसा निर्णय मानते हैं पार्टी अध्यक्ष? देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति को दी गई है और मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में युवा जो है संगठित होगा। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि नए जो लोकदल का अब भविष्य मथुरा में क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि हम पांचों सीट पर लोकदल मथुरा में जीतेगा और आप जानते हैं, देखते हैं कि सब जगह विद्रोह है। मोदी जी सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं करते हैं। कोई मोदी जी पर पूरा देश अविश्वास कर रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये भी कहूँगा कि हमारे बाबूलाल जी बल्कि शुभ साबित होंगे हमारे लोकदल के लिए, ऐसे पहले साबित होंगे और इनके नेतृत्व में लोकदल आगे बढ़ेगा। दरबार जी, संगठन को किस दिशा में आप ले जाएंगे? देखिए, ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया है कि परिवर्तन होता है और इस समय जो हमारा युवा अध्यक्ष बना है उमेश चौधरी, बहुत ही ऊर्जावान लड़का है, बहुत ऊर्जा के साथ काम करता है और मुझे भरोसा है कि पूरे जनपद में ये युवाओं को जोड़ने का काम करेगा। आज जिस तरह से देश में हालात हैं, जिस तरह से आज भ्रष्टाचार चरम पर है, लोकतंत्र की पूर्णतः हत्या हो रही है, कहीं भी आप देख लीजिए, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इन सब चीज़ों के विरोध में राष्ट्रीय लोकदल मैदान में उतरकर इस पार्टी को इस देश और प्रदेश से रुखसत करने का काम करेगा और उसी की एक पहल। कुंवर नरेंद्र सिंह जी भी यहाँ पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और आज राष्ट्रीय लोकदल का पूरा कुनबा यहाँ इकट्ठा हुआ है उमेश चौधरी जो नई मनोनीत जिलाध्यक्ष हैं उनके साथ, क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं उमेश चौधरी को शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ और आपको ध्यान होगा कि इन युवाओं ने ही मोदी को तख्ते पे बैठा दिया और जितनी भी विश्व में क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे फ्रांस की हुई हो, चाहे जर्मनी की हुई हो, चाहे रूस की हुई हो, वो सब युवाओं ने ही की। तो अब युवाओं का भविष्य है तो हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं, हमारा बड़ा संगठन भी काम कर रहा है। ये बात सही है कि हमारी स्थिति इस वक्त विधानसभा और लोकसभा में मजबूत नहीं है, नगण्य है, लेकिन ये समय का चक्र है कि भारतीय जनता पार्टी के भी दो हुआ करते थे MP, आपको ध्यान होगा, आज ये पूरे भारत में अपना परचम लहराने का प्रयास कर रहे हैं
लेकिन आप आने वाला समय विपक्ष का है, धर्मनिरपेक्ष दलों का है, जैसा कि आप लोग मीडिया में और उनमें देख रहे हैं, उनमें सभी जगह अब सहमतियाँ बन रही हैं, चाहे वो जासूसी कांड हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे GDP की बात हो, चाहे किसान आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, ये कहूँगी वेरी सरकार, ये जो मूर्ति जिनकी खड़ी है, ये विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री थे, किसान नेता तो थे ही थे, लेकिन विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री भी थे। अगर इनकी और नीति और रीति पे ये वर्तमान सरकार चलती तो आज किसान वहाँ पर धरने पर 8 महीने से नहीं बैठता, दर दर भटकता नहीं। लेकिन ये बेसमझ लोग, बंदर के हाथ में नारियल पड़ गया है, लेकिन ठीक है, भूत विद्या मिल रही और 12 वर्ष चल रही, अब इनका समय अंत आ गया है, अब परिवर्तन होगा, विचारधाराओं में परिवर्तन है, लेकिन अभी समझाने की और आवश्यकता है, तो उसके लिए हम द्वार द्वार जाएंगे, युवा टीम जाएगी, बड़ा संगठन भी जाएगा, और लोगों को समझाएंगे कि अभी भ्रम में मत रहो, सच्चाई पे आओ, धरातल पे आओ, जो भला ये सरकारें करेंगी आपकी खुशी, वो वर्तमान सरकार नहीं कर सकती, गैर जिम्मेदारी ने। तो मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, और अब संगठन को 2022 में हम लोग परचम पर लहराएंगे। देखो कुमार नरेंद्र सिंह जी ने भी ये जो बात कही है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इस समय वर्तमान उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि राष्ट्रीय लोकदल की मथुरा जनपद में स्थिति कोई खास ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब युवा संगठन और उनके जो बड़ी का ये दोनों मिलकर काम करेंगे, जनता के द्वार द्वार जाएंगे, और वर्तमान जो मोदी सरकार पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इनकी जो सरकार है गूंगे बैरी सरकार है, ना व्यापारी का हित सोच रही ना किसानों का सोच रही, उसी को लेकर आने वाले 2022 में केंद्र की और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कुमार नरेंद्र सिंह ने कही है। तो राष्ट्रीय लोकदल के अब जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनमें पूरा उत्साह है, और देखना यह कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल किस तरह की अपनी छवि बना पाता है। G9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।